Before we begin this vlog, you have this quick flashback when we visited Khandi last year in winter. Khandi is a quiet village nestled in the lap of nature, boasts enchanting landscapes. It is a place where time slows down and every step reveals a story waiting to be discovered. So it is quite poetic, but this place is quite unexplored. People have recently started visiting this place in the monsoon season. So this time we decided that we'll just pay a visit and enjoy the monsoon here, as this is our second vlog. So let's go ahead, enjoy this vlog, enjoy this video, and do visit this place with your friends. Just don't make it too crowded. Kare. किसने पता ही नहीं कि अपन ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं बस बोल रहे कि अपन लोना वाला जा रहे नहीं, लोना वाला ही जा रहे हैं। हां, तो फिर तुम लोग ज्यादा ही ओवर ड्रेस लग रहे हो मेरे को। ओवर ड्रेस, ओवर ड्रेस, ओवर ड्रेस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। न्यू डे, न्यू वीकेंड, और जा रहे हम किधर? किधर? लोनावाला। तो लोनावाला में किधर जा रहे हैं? शायद पावना डैम के यहां पे जाएंगे या फिर खंडी जाएंगे। तो अभी तक मतलब कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि और लोग ऐड होने वाले हैं इसमें। तो अकेला आया क्या? रे आ रहे ना हम लोग भी। एक डिसीजन लेते जाओ ना पहले। तुम्हारे दोस्त आ रहे क्या उधर से? हाँ ये देखो, और क्यों देने वाला था क्या? मेरे व्यूअर्स को देख रहा हूँ कि देख रहे क्या नहीं देख रहे। हाय गाइस, ट्रिप तो स्टार्ट हो गया है, देखते हैं। दो लोग बाकी है और दैट्स इट आई गेस। अभी नहीं जमता यार मेरे को, आगे करो। मेरे पास कुछ नहीं है। आई एम रियली सॉरी बॉयज, गाड़ी अनफॉर्चुनेटली पंचर निकली है। वैसे दुविधाएं आ रही है, बट देखते क्या है सीन। हेलो, क्या है सीन? हाय, बोलना। अरे हम लोग इधर रुकते हैं। जो यार दिख रहा है क्या? लावड़ा कुछ दिख रहा है। अरे पशा किती लेट करत होते सांग मला तू। हम अभी जा रहे वॉटरफॉल की तरफ। राज जाजू कैमरा शाही लड़का है, बट आपको होली व्लॉग देखना चाहिए। होली व्लॉग देखना चाहिए आपको। आप स्क्वाड को देखिए, ये हमारा हीरो है स्क्वाड का। अंटी लोग अंटी ज्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे लगते हैं और हम उससे भी जल्दी पहुंच गए। और उसके बाद बहुत सारी कठिनाइयों के बाद भी हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राज की जो गाड़ी है वो पंचर हो गई, तो गाड़ी रख के आगे ट्रिप से आना पड़ा। उमेश भी बहुत रो रहा था, मतलब उसने बहुत लेट कर दिया। तो इन सब कठिनाइयों कठिनाइयों के बाद भी हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। देखते हैं अभी और भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। सो ब्यूटीफुल। सब लोग गए वापस स्विमिंग करने के लिए। लास्ट टाइम भी यहाँ पर आए थे, लेकिन तुम सबको मैं ये बताना चाहूंगा, ये पूरा जो दिख रहा है ग्रीनलैंड, पूरा ग्रीनलैंड दिख रहा है, ये पूरा पानी से कवर्ड था। एक्चुअली एक रिजर्वायर है, देखो नाम नहीं पता ये रिजर्वायर का, लेकिन बहुत ही सही है। सो
ठंडी के और अंदर आ गए हम, एक दो जगह मिस होनी ठंडी में आए हम तो इतनी मेहनत करने के फुटेज 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 सो आप देख सकते हो यहाँ पर अंदरूनी ठंडी में हुआ वो हादसा ये देखिए अंदरूनी ठंडी का नतीजा कंटेंट वेल ये ठंडी का हमारा तीसरा ट्रिप है जो भी हमारा दूसरा ट्रिप है और ठंडी हम मैं दूसरी बार आया हूँ, दूसरी बार फैसिनेट हो गया क्योंकि पिछली बार जब आया था मैं समझ में आया था सॉरी विंटर्स में आया था हम वहाँ से रिटर्न जा रहे थे बट आदेश ने बोला चलो अंदरूनी ठंडी घूमते तो हम अंदरूनी ठंडी आए हैं तो आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ सब भजी गा रहे दिखा रहे भजी दिखा अच्छा है कांदा भजी अच्छा है क्या है रे क्या बिजनेस है मस्त होते भजी सांग लेते का आज नहीं करे सो अभी हम रुके हैं कुछ खाने के लिए तो ऑर्डर किया है पिटला भाकरी और थोड़ा कांदा भजी पिटला भाकरी आपको मालूम नहीं होगा वो एक महाराष्ट्रियन डिश है महाराष्ट्र ट्रेडिशनल डिश बहुत ही फेमस है और बहुत ही टेस्टी होता है तो ठंडी के बाद एकदम भीगने के बाद अगर आप पिटला भाकरी खाओगे तो उसका जो मज़ा होता है हेलो अरे मैं जरा बाहर रहे दिखा दे आपको पिटला भाकरी होता कैसे सो ये है पिटला भाकर कौन पिटला भाकर कैसे मस्त है वो एकदम मस्त पिटला भाकर पिटला भारी होता भारी होता मस्त मन मत थांबे मस्त खा लेगा तुम्हें पिटला भाकर खा ले ये दो खा ले कितने दिया का 150 150 रुपए काम नहीं मना तू मन ले नको कोणी अरे मला फोन वाजते करे हां इथे फोन आहे का कोण आहे काय काय कोण आहे वाजते का वाजते That's the wrap for today. Let's wrap it up today. Let's wrap it up. Come on, wrap it up. Wrap it up, boy.